नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखी। आप सोच सकते हैं जो टीम 36 पे ऑल आउट हो गई थी उसके लिए अगला मैच जीतना इम्पॉसिबल होता है। इन्होंने तो पूरी सीरीज जीत ली। ये इस टीम का कैरेक्टर, जुनून, जज्बा सब कुछ दिखाता है। इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले क्रिकेट के बड़े बड़े ज्ञाताओं ने कहा था, जिनका नाम है माइकल क्लार्क, रिकी पोंटिंग, कि विराट कोहली की अनुपस्थिति में ये टीम वाइट वॉश हो जाएगी। फिलहाल इन तीनों का कोई अता पता नहीं है। खबर आ रही है कि इन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है, और क्वारंटीन क्यों ना करें क्योंकि इनके पास उन सवालों का अब जवाब नहीं है। ये भी भारतीय टीम के करेक्टर, उनके जज्बे, उनके बिलीव को सलाम करते हैं। इस जीत के बहुत सारे हीरो हैं, उनमें से एक हैं चेतेश्वर पुजारा। ऑस्ट्रेलियन बॉलर इनके सर पे बाउंसर मारते रहे, ये चोट खाते रहे, पर इन्होंने क्रीज नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया। पुजारा उनमें से नहीं है जो डर जाए। सुमन गिल ने 91 रन बनाया और बखूबी साथ दिया जीत में। और इन्होंने माइकल स्टार्क के एक ओवर में 20 रन मारा, जो उनका अब तक का सबसे सर्वाधिक रन देना है एक ओवर में। अंत में पंत भला तो अंत भला, जो भी उम्मीदें बची थी ऑस्ट्रेलिया के उसको पंत ने अंत कर दिया, और मैच को भी इन्होंने ही अंत किया। चौके से मारकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई, उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। 22 रन उन्होंने मारे, मोहम्मद सिराज ने दूसरे पारी में 5 विकेट लिए, और शार्दुल ठाकुर उनके पीछे ही पीछे रहे, उन्होंने भी 4 विकेट लिए। इस जीत के बहुत सारे हीरो रहे, और भारतीय टीम ने जो पैशन, डेडिकेशंस, बिलीव और जो ब्रेव और जो क्लास दिखाया, उन्होंने साबित कर दिया ये टीम नहीं, ये योद्धा हैं, और इन्होंने हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है और इस खेल को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाई है। क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को एक नया जन्म दिया। जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के कोच ने कहा कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस, और ये बात इनकी बिल्कुल सही है। और जीत के बाद बहुत सारे बधाइयाँ आई, सुंदर पिचाई ने कहा, एबी डिविलियर्स ने दिया, और जीत के बाद सौरभ गांगुली ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिसमें बीसीसीआई ने 5 करोड़ टीम इंडिया को देने का दिया। और इस टीम ने साबित कर दिया कि बिना कोहली, बिना बुमराह, बिना स्टार प्लेयर्स के अपने ये जीत सकती है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में उसके घर में हराया, वो भी 36 पे पूरी टीम ऑल आउट होने के बाद। पंत ने कहा कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल है, और हो भी क्यों ना, कि उन्होंने सिंगल हैंडली इस मैच को भारत को जिताया है। उन्होंने टेस्ट को T20 बना दिया, और टीम पेन ने कहा था इंडिया को कि आप आओ गाबा में, क्योंकि उन्हें घमंड था। घमंड तो रावण का नहीं टिका था, ये तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम है। और पंत ने हनुमान बन के टीम पेन की गाबा के जो लंका था उसमें आग लगा दिया। ना सिर्फ आग लगाया बल्कि अपना पूरा परचम बलाया, भारतीय तिरंगे को शान से पूरे स्टेडियम में लेके घूमे। और आपको इस मैच के बारे में सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी कमेंट करके ना बताना भूलें, और अपने फेवरेट प्लेयर कौन लगा आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।